please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. गोवा की राजधानी पणजी में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने महात्मा गांधी के एक फैसले की अनदेखी को भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वजह बताया। उनके इस बयान पर सियासत भी गरमा गई, क्योंकि एक कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए दलाई लामा ने जिन्ना को पीएम बनाने की महात्मा गांधी की इच्छा नहीं मानने को देश के बंटवारे की वजह बता दिया। महात्मा गांधी जी वेरी मच विलिंग प्राइम मिनिस्टरशिप गिव टू जिन्ना, पंडित नेहरू रिफ्यूज। दलाई लामा के इस बयान का समर्थन करने में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने देर नहीं लगाई। गांधी इस विचार के थे कि जवाहरलाल नेहरू अपने के लिए ही ज्यादा सोचते हैं, देश के लिए नहीं सोचते हैं। हालांकि कांग्रेस ने दलाई लामा के इस बयान के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी के पीछे भी कोई ना कोई मोदी जी की चाल जरूर निकलेगी। कांग्रेस भले ही दलाई लामा के इस बयान पर कुछ भी कहे, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी उनके इस बयान के बहाने कांग्रेस पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए आज होने वाले चुनाव में एनडीए का पक्ष मजबूत हो गया है। एनडीए की ओर से खड़े जेडीयू उम्मीदवार हरिवंश को जिताने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से फोन पर बात की, जिसके बाद बीजेडी यानी बीजू जनता दल ने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया। दावा किया जा रहा है कि टीआरएस भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेगी, यानी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में 123 सांसदों से ज्यादा के समर्थन होने का दावा है, जबकि 244 सदस्यों की राज्यसभा में कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष ने अपने खेमे में 114 सांसद होने का दावा किया। हालांकि कांग्रेस के रुख से खफा आम आदमी पार्टी ने बिना मांगे समर्थन नहीं देने का ऐलान किया। मिस्टर नीतीश कुमार हैज स्पोकन टू मी, सो वी विल बी सपोर्टिंग जनता दल यूनाइटेड कैंडिडेट फॉर द राज्यसभा इलेक्शंस। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में प्रशासन के कुछ अधिकारी एक बालिका गृह का रजिस्टर खंगालने में जुट गए। देवरिया के बालिका गृह की घटना सामने आने के बाद हरकत में आए प्रशासन ने मिर्जापुर समेत यूपी के कई बालिका गृह पर छापा मारा और वहां के रजिस्टर और बाकी दस्तावेज मंगवाकर उनकी बारीकी से जांच की। इस दौरान मिर्जापुर के बालिका गृह में छापा मारने पहुंचे जिलाधिकारियों ने कर्मचारियों से वहां के रजिस्टर मंगवाकर रिकॉर्ड की जांच भी की। जांच के दौरान प्रशासन ने बालिका गृह में किसी भी तरह की खामी से इनकार किया और जानकारी दी कि बालिका गृह में सभी 16 लड़कियां मौजूद मिली और किसी ने भी परेशानी का जिक्र नहीं किया। कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि जो रह रही बच्चे उनसे पूछा, उनको खाने की शिकायत है, रहने की शिकायत है और कपड़े वगैरह की कोई शिकायत नहीं। जांच के बाद डीएम ने बालिका गृह के संचालकों को खाने पीने और दूसरी व्यवस्थाओं को बेहतर करने का निर्देश भी दिया। मुरादाबाद में 5 फर्जी अफसर धरे गए। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने 5 फर्जी इनकम टैक्स के अधिकारियों को गिरफ्तार किया, जिनकी कार पर बीजेपी का झंडा लगा मिला। राजस्थान की बूंदी में अपनी जमीन छुड़ाने के लिए चक्कर काट रहे एक पूर्व सैनिक ने न्याय न मिलने पर मेडल लौटाने और देश छोड़ने की बात की। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने लग्जरी गाड़ियों से शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, उनके पास से 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की। जयपुर में 5 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में महिला सब इंस्पेक्टर को जेल भेज दिया गया। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने रेत पर डीएमके प्रमुख करुणा निधि की तस्वीर बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बारिश के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की गई। चीन के जियांगसू प्रांत में एक सड़क पर एक ट्रक ने एक महिला को टक्कर मार दी। ट्रक के चपेट में आई ये महिला वहां एक घायल कुत्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने उस महिला को टक्कर मार दी। इससे पहले एक घायल कुत्ता सड़क की जेब्रा क्रॉसिंग से गुजरने की कोशिश करता नजर आया। इस दौरान वहां से कई गाड़ियां गुजरी, जिनमें शामिल एक ट्रक कुत्ते को बचाता हुआ आगे निकल गया। तभी एक महिला उस कुत्ते को बचाने आई और उसने सामने से आ रहे ट्रक को रोकने का इशारा भी किया, लेकिन इसके बाद भी ट्रक के ड्राइवर ने महिला को धक्का मार दिया। कुत्ते को गोद में लेकर निकल रही महिला टक्कर के बाद बुरी तरह घायल हो गई, जबकि ट्रक चला रहा ड्राइवर वहां से फरार हो गया। बाद में इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। बिहार के कैमूर में कुछ लड़के उफान पर बह रही दुर्गावती नदी में जानलेवा छलांग लगाने लगे, जिसके बाद प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने दुर्गावती नदी में जानलेवा स्टंट रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भरोसा दिया। लेकिन इससे पहले कुछ लड़के दुर्गावती नदी के ऊपर से गुजर रहे एक पुल पर खड़े दिखे। इस बीच एक लड़का तेजी से दौड़ता हुआ आया और 70 फीट ऊपर से दुर्गावती नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद एक और लड़का अपनी जान की परवाह किए बिना उफान पर बह रही नदी में कूद गया। इस तरह 5 से ज्यादा लड़कों ने 70 फीट की ऊंचाई से नदी में छलांग लगाई।
जानलेवा स्टंट करने वाले इन लड़कों की उम्र 15 साल से भी कम बताई गई। जो उसके गार्जियन है माता पिता, उससे मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि अपने बच्चों को इस तरह से खतरनाक न भेजे, कभी भी दुर्घटना घट सकती है। प्रशासन की तरफ से दुर्गावती नदी के आसपास के क्षेत्र में एक सुरक्षा कर्मी को तैनात करने का भरोसा दिया गया ताकि बच्चों को जानलेवा स्टंट करने से रोका जा सके। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में हमले की साजिश का पर्दाफाश होने से जैश आतंकी रऊफ बुरी तरह बौखलाया हुआ, क्योंकि पिछले 20 साल से उसकी हर साजिश का पता सुरक्षा एजेंसियों को हमले के बाद ही चलता था। लेकिन इस बार रऊफ के मंसूबों का वक्त रहते पर्दाफाश होने के बाद सरकार ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की कमर तोड़ने का अभियान शुरू किया। भारत सरकार ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें जैश ही नहीं बल्कि उसे पनाह देने वाला पाकिस्तान भी बुरी तरह उलझ गया। असल में कॉमनवेल्थ देशों के बीच 1986 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत आपराधिक मामलों की जाँच में सहयोग और सबूतों के लेन देन पर सहमति बनी थी। लिहाजा भारत ने इसी समझौते के तहत जैश ए मोहम्मद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया जिससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है, क्योंकि भारत ने सुनवा में सेना पर हुए हमले में 32 साल पहले हुई इसी संधि के तहत पाकिस्तान को फंसा दिया है। इसी साल सुनवा हमले में पाकिस्तानी नागरिक और जैश आतंकी मुफ्ती वकास ढेर हुआ था, जिसके बारे में भारत ने पाकिस्तान से जानकारी मांगी। यानी वकास की जानकारी मिलने के बाद जैश के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ कई सबूत सामने आएंगे। इससे भारत संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर आतंकी मसूद पर पाबंदी लगाने की अपील कर सकेगा, जिसका चीन विरोध करता रहा है। तो पाकिस्तान कई चीजें प्लांट कर सकता है हमारे को मिसलीड करने के लिए। भारत की इस रणनीति से पाकिस्तान में बैठे सभी आतंकी संगठनों के होश उड़ गए। यूपी के फतेहपुर में नेशनल हाईवे 2 पर खड़ी एक दुर्घटनाग्रस्त कार की पुलिस वाले पड़ताल करने लगे। बताया जा रहा है कि कानपुर से इलाहाबाद जा रही ये कार एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कानपुर से इलाहाबाद जाते वक्त तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के फौरन बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 को बचाया नहीं जा सका। गाड़ी घुस गई है, के बाद तो गाड़ी हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। सड़क हादसे में मारे गए लोग बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मुंबई में मेट्रो को ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अगले 5 साल में लोकल ट्रेन के नेटवर्क से भी बड़ा नेटवर्क मुंबई में मेट्रो का हो जाएगा। मुंबई में सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की लोकल ट्रेन का कुल नेटवर्क 250 किलोमीटर, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 5 साल में मुंबई में मेट्रो का नेटवर्क बढ़कर 276 किलोमीटर हो जाएगा। 5 साल बाद मुंबई में मेट्रो की कुल 12 लाइनें तैयार हो जाएंगी, जिन पर कुल 250 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। मेट्रो के इस विस्तार का कुल खर्च 88,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान। हालांकि केवल 5 साल के वक्त में मेट्रो के इतनी तेज विस्तार के दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन का मानना है कि 276 किलोमीटर लंबी 12 अलग अलग लाइनों का काम पूरा होने में 10 साल का वक्त भी कम है। हरियाणा के रोहतक लघु सचिवालय में पेशी के लिए आई महिला पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें महिला और सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मौके से पुलिस को 7 कारतूस मिले हैं। महिला की सास ने उसके पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि गैर जाति में शादी करने की वजह से महिला की हत्या की गई। सब इंस्पेक्टर नरेंद्र करनाल से पेशी के लिए महिला को रोहतक लाए थे, इस हमले में उनकी भी मौत हो गई। इसका पापा नंबर वाई गोली ब्रांडेड का टेम आ गया था। इसका उम्र कैद होनी चाहिए इनकी, हम तो ये चाहवा था। अभी हमने टीम से रवाना की है, ऐसी है कि हमने 3 टीम्स यहाँ से जो भी उसमें गुजरे होंगे उनको जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी उनको राउंड अप किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में बिजली के एक टावर पर चढ़े लंगूर ने अचानक छलांग लगा दी। बताया गया कि लंगूर बिजली के टावर पर चढ़ने के बाद 4 दिन बाद वहां फंसा रहा, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने लंगूर को उतारने की कोशिश की। लंगूर को बिजली के टावर से उतारने के लिए 2 लोग ऊपर की ओर चढ़ने लगे, लेकिन लंगूर ने जैसे ही उन्हें अपनी ओर आते देखा तो वो घबरा गया और ऊंचाई से ही उसने छलांग लगा दी। टावर से कूदने के बाद लंगूर जैसे ही भीड़ के बीच से भागने लगा, वहां अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग उसके पीछे भागने लगे। इस मामले में गांव वालों ने बिजली और वन विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। दावा है कि गले में पड़ी रस्सी के टावर में फंसने की वजह से लंगूर नीचे नहीं उतर पा रहा था। यूपी के फैजाबाद में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। सड़क से खेतों तक सब पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग गांव से सुरक्षित जगह की तरफ पलायन कर रहे हैं। प्रशासन ने फैजाबाद के सदर तहसील के पूरा बाजार इलाके के लिए 4 जगह पर बाढ़ राहत केंद्र बनाए हैं, जहां लोग पानी से बचकर शरण ले रहे हैं। अभी सरयू नदी के जलस्तर में थोड़ी गिरावट है, जिससे राहत बचाव का काम में मुश्किलें कम हुई हैं।
जम्मू कश्मीर के सोपोर में सेना के कुछ जवान जंगल के बीच एक गाड़ी से उतरकर आतंकियों की तलाश करने लगे। जंगल में कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद ये फौजी वहां पहुंचे और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान जंगल में छिपे आतंकियों की खोजबीन में सेना का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। थोड़ी देर के सर्च ऑपरेशन के बाद सेना ने जंगल में छिपे आतंकियों को घेर लिया और मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि 2 जवान भी घायल हुए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए सैनिकों ने काफी देर तक तलाशी अभियान चलाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 11 तारीख को जयपुर जाएंगे, जहां वो रैली से पहले प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। हालांकि इससे पहले भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात और कर्नाटक चुनाव के समय मंदिर और मठों में जा चुके हैं, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर राजस्थान चुनाव को देखते हुए मंदिरों की तरफ रुख करने का फैसला किया, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर ले लिया। ये धर्म की राजनीति करने की कांग्रेस की पॉलिसी रही है। कई बार ये जालीदार टोपी लगा के मस्जिद में पहुंच जाते हैं, कभी जनेऊ दिखाते हैं, तो ये धर्म में बांट के और धर्म के वो बांट के उनका वोटों को अपनी तरफ डाइवर्ट करने के इनके प्रयास है। राहुल गांधी पर हमला तेज होता देख कांग्रेस के प्रवक्ता पार्टी अध्यक्ष के बचाव में सामने आए। भारतीय जनता पार्टी भयभीत इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि जो उन्होंने एक ऑरा बनाया कि वही सिर्फ मंदिरों के ठेकेदार हैं, वही हिंदू धर्म के सबसे बड़े पुरोधा हैं, उसके संरक्षक हैं, वो मिथक है वो टूट रहा है। कांग्रेस ने वसुंधरा सरकार पर मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगा दिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ लोग बीच सड़क पर एक सिपाही को बुरी तरह पीटने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि नशे में धुते सिपाही ने अपनी कार से कई बाइकों को टक्कर मार दी, जिनमें एक आदमी घायल हो गया, जिसके बाद इलाके के लोग वहां जुट गए और सिपाही को सड़क पर गिराकर पीटने लगे। गुस्साई भीड़ ने सिपाही की बेल्ट निकालकर उसी से उसको पीटना शुरू कर दिया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। भीड़ के गुस्से का शिकार हुआ सिपाही इतने नशे में था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। लोगों का आरोप है कि नशे में कार चला रहे इस सिपाही ने पहले तो कई बाइकों को टक्कर मारी और फिर कार लेकर सड़क के किनारे खेत में घुस गया। सिपाही की पिटाई का वीडियो वहां मौजूद एक आदमी ने बना लिया और जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद नोएडा में तैनात इस सिपाही के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई का दावा किया। गंगा आरती के दौरान करुणा निधि को श्रद्धांजलि। वाराणसी में गंगा आरती के समय डीएमके प्रमुख करुणा निधि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। ताजमहल के दीदार के लिए विदेशी पर्यटकों को 1100 रुपए और भारतीयों को 50 रुपए चुकाने होंगे। टिकट में 100 और 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इलाहाबाद में लगने वाले कुंभ मेले में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी, जिसके लिए MNNIT से करार हुआ। यूपी के फतेहपुर में एक तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के झुंझुनू में एक आदमी ने 10.25 लाख की गाड़ी के लिए नंबर लेने में 8,65,000 रुपए खर्च किए। यूपी के मैनपुरी में महिला ने खुद को एक सिपाही की दूसरी पत्नी बताकर हंगामा किया। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सामने आने के बाद 2009 में नौसेना के लिए बोइंग विमानों की खरीद का एक सौदा विवादों में आ गया। इस सौदे से जुड़ी रिपोर्ट संसद में पेश की गई, जिसमें CAG ने करीब 14,000 करोड़ रुपए के एक बड़े सौदे पर सवाल उठाए। एंटी सबमरीन और एंटी वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की खरीद के उस सौदे में स्पेन की कंपनी की जगह अमेरिकी कंपनी बोइंग को तरजीह दी गई थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक गलत तरीके से बोइंग विमानों की कीमत को कम दिखाकर सौदा बोइंग के साथ किया गया। साथ ही दावा है कि स्पेन की कंपनी ने अपनी बोली में 20 साल के लिए एयरक्राफ्ट के रखरखाव की लागत को भी शामिल किया था, जबकि बोइंग कंपनी ने ऐसा न करते हुए रखरखाव की लागत को शामिल किए बिना ही बोली लगाई थी, जिसकी वजह से बोइंग सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बन गई और उसे ही 8 एयरक्राफ्ट भारत भेजने का ठेका दिया गया। लेकिन ठेका मिलने के बाद बोइंग ने एयरक्राफ्ट के रखरखाव के लिए अलग से प्रस्ताव भेज दिया। राजस्थान के छतरपुर में भीड़ में शामिल कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में एक लड़के को पीटने लगे। मारपीट करने वाले लोगों ने उस लड़के पर मोबाइल फोन चुराने का आरोप लगाया, जिसके बाद घटना की जानकारी पर 2 पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए और भीड़ में शामिल लोगों को समझाने लगे। इस बीच जिस लड़के पर मोबाइल फोन चुराने का आरोप लगा वो हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगने लगा, जिसके बाद भीड़ में शामिल एक आदमी ने उसकी पिटाई कर दी। पुलिस वाले ने मारपीट करने वाले लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद पुलिस वालों ने आरोपी से माफी मंगवाई और गुस्साए लोगों को उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। काफी समझाने के बाद भीड़ का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद पुलिस वाले आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले गए। स्कॉटलैंड की एक झील में कुछ लोग ब्लूबर्ड नाम से मशहूर जेट इंजन से चलने वाली नाव की जांच करने लगे। 51 साल पहले हुए एक हादसे के बाद इस जेट बोट ने पहली बार सुरक्षित सफर पूरा कर अपने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया।
लेकिन बरसों बाद पानी में उतरी जेट बोट के साथ कोई अनहोनी न हो इसलिए उसकी अच्छी तरह से जांच की गई। इसके बाद पायलट ने उसका इंजन चालू कर दिया। ऊंचा फव्वारा छोड़ती हुई जेट बोट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इस सफर को देखने के लिए वहां पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। उनमें कई लोग 1967 के हादसे को याद कर रहे थे। उस हादसे में पानी में 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाने के दौरान जेट बोट पलट गई थी और उसका पायलट मारा गया था। हालांकि इस बार सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ। जेट बोट ने बिना किसी मुश्किल के अपना सफर तय कर दिया। पायलट ने जब इंजन बंद किया तो लोगों ने ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड में देहरादून के एक गांव में भारी बारिश के बाद सोंग नदी का पानी दाखिल हो गया। नदी का पानी गांव में आते ही पूरा गांव नदी में तब्दील हो गया और पूरे गांव में दूर दूर तक केवल पानी ही पानी दिखाई देने लगा। गांव में बने बाढ़ जैसे हालात में जानवर भी फंस गए। वहां के एक वीडियो में दो गाय पानी में फंसी हुई दिखाई दी। पानी का स्तर इतना ज्यादा था कि गाय कमर तक पानी में डूबी दिखाई दी। पानी में फंसी एक गाय तो दौड़कर बाहर आ गई लेकिन दूसरी गाय को बचाया नहीं जा सका। ये देहरादून का गौरी माफी गांव है जहां पिछले एक हफ्ते से करीब 200 परिवार फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दरअसल एक गाय पानी में डूब गई। काफी देर तक ये गाय बाढ़ में फंसी रही। आप देख सकते हैं गाय तैरने की कोशिश कर रही है। बाहर निकलने की कोशिश गाय की तरफ से लगातार की जा रही है। दक्षिण भारत की मौजूदा राजनीति के पितामह कहे जाने वाले डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन की खबर मिलते ही देश के कोने कोने से उनके लिए शोक संदेशों का तांता लग गया और तमाम नेताओं और दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने करुणानिधि को दक्षिण भारत का सबसे बड़ा नेता बताते हुए श्रद्धांजलि दी। अब हमारे बीच नहीं रहे, मैं अपनी तमिलनाडु से ही आने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने करुणानिधि से जुड़ी अपनी खट्टी मीठी यादों को साझा किया। तमिल भाषा की जो मास्टरी थी, अनेक चीजों पर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। एम करुणानिधि का 94 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद चेन्नई में मंगलवार को निधन हो गया। उनका तमिलनाडु की सियासत में 7 दशक से भी लंबा सफर रहा जिसका असर पूरे दक्षिण भारत की राजनीति पर देखा गया। इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में दक्षिण के दिग्गज सबसे आगे थे, जिनमें कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के नेता शामिल रहे जिन्होंने करुणानिधि के निधन पर दुख जताया। 12 चुनाव सतत जीते ऐसे व्यक्ति मैं समझता हूँ सारे देश में नहीं मिलेंगे। उनके देहांत होने से मेरे ख्याल में लग रहा है कि जैसे एक 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 युग निकल गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चेन्नई पहुंचकर डीएम के समर्थकों और करुणानिधि के परिवार को ढाढ़स बधाया। करुणानिधि जी बिकॉज सीनियर मोस्ट लीडर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने ढंग से करुणानिधि को याद किया। उन्होंने न सिर्फ तमिलनाडु के लिए काम किया, उन तमिल्स के लिए काम किया, बल्कि सारे भारत को मजबूत करने के लिए किया है। सोनिया गांधी ने भी करुणानिधि के बेटे और डीएमके नेता एमके स्टालिन को पत्र लिखकर उनके पिता की मौत पर शोक जताया। एम करुणानिधि करीब 76 साल तक तमिलनाडु की सियासत में सक्रिय रहे और पहली बार 1957 में अन्नादुरई की पार्टी डीएमके से विधानसभा पहुंची। 1969 में अन्नादुरई की मौत के बाद करुणानिधि को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके बाद 1971 में करुणानिधि ने तमिल फिल्मों के महानायक एमजी रामचंद्रन को अपना साथी बनाया, मगर दोनों का साथ ज्यादा नहीं चला और एमजी रामचंद्रन ने अलग होकर अपनी नई पार्टी AIADMK बना ली और कुछ सालों बाद एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1987 में एमजी रामचंद्रन की मौत के बाद से तमिलनाडु की राजनीति कभी करुणानिधि तो कभी जयललिता के इर्द गिर्द घूमती रही।